वहां का है, तो मेरे लिए अगर वर्जी होता तो भगवान मुझे मना करते। वो क्या कहते हैं, भगवान को क्या पड़ी किसी की। कहती है नहीं, भगवान अपनों को बुरी बातों से बचा लेते हैं, अपनों का अभिमान लेते हैं, अपनों को दोषों से बचाते हैं। उसने बड़ा जबरदस्त आक्षेप किया उसके ऊपर कि अगर भगवान अपनों को बचा लेते हैं तो 56 करोड़ यादव आपस में लड़ लड़ के मर गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया। चुप होगी बेचारी, उसको जवाब देना नहीं आया। और सही बात है, भगवान के रिश्तेदार थे बहुत नजदीकी, सारे ही मर गए, चुप हो गए। भगवान लेटे हुए हैं लेकिन जाग रहे। माता ईसा दरवाजे को खटखटाती है, भगवान कहते हैं भाई दरवाजा खोलो। कहती है महाराज इतनी धूप है कौन आया होगा आप लेटो। महाराज कहते हैं खोलो तो सही, बच्ची आई है। जवान थी माता ईसा, सुंदर थी, उसका नाम रूपा भाई भी था। वो कहते हैं बच्ची आई है दरवाजा खोलो। सचमुच ही माता ईसा दरवाजे के सामने खड़ी है। वो कहती है आ बच्ची आ, अंदर आ, आजा बेटी। वो अंदर आई और सीधी भगवान को नमस्कार करके जैसे कोई बात करने के लिए पास में बैठ जाती है। महाराज, महाराज कहते हैं हूँ, क्या बात है। कहती है महाराज आपको अपनों का कोई भी ख्याल नहीं होता। उसके दिल में ये पूरा पक्का है कि मैं भगवान की हूँ, अपनी हूँ, क्योंकि वो दिल से भी कभी इधर उधर भटकने वाली नहीं थी। अगर उसे कुछ गलती फील होती है या कोई बात भागवत की सुनती है या और लोगों से सुनती है, फौरन भगवान से प्रश्न करती है, महाराज भागवत में ऐसा सुना है मैंने, ये सच है गलत है क्या है। भगवान वहां पर ऐसे बातें कर रहे थे, ये सच है गलत है क्या है। महाराज ये दादोस ऐसे कहते हैं स्वर्ग खंड है वाराणसी, ये सच है गलत है क्या है। महाराज फौरन उसके जवाब देते हैं। इसलिए महाराज ऐसे को पूरा आत्मविश्वास है कि भगवान अपनों का ख्याल करते हैं, अपनों को मरने से नरकों में जाने से बचाते हैं। तो कहती है महाराज आपको भगवान को अपनों का कोई ख्याल नहीं होता। महाराज कहते हैं क्यों, बड़े सचेत होकर बैठ गए भगवान। फिर उसने सारी हकीकत सुनाई, महाराज अभी मैंने आपका चरनामत लिया तो दादोस कहते हैं नहीं नहीं। मैंने कहा नहाना क्यों, कहते हैं ये तूने थिमली का पानी पिया। तो कहती मैंने पानी नहीं पिया, मैंने तो चरनामत दिया। वो कहते चरनामत हो तो भी पानी तो वो ही था। तो मैंने कहा अगर पानी गलत है तो भगवान मुझे लेने के लिए मना करते कि माता ऐसा तू पा चरनामत मत लेना इस पानी का। तो उसने मुझे ऐसा जवाब दिया तो भगवान को क्या पड़ा। मैंने कहा भगवान को क्यों नहीं, भगवान अपनों को बचाते हैं। कहते हैं अगर अपनों को बचाते हैं तो 56 करोड़ यादव लड़ लड़के मर गए। भगवान फिर मैं जवाब नहीं दे सकी, क्या जवाब है इसका। भगवान इतने आवेश में आ गए अपनों के लिए। ध्यान रखना अगर हम उसके अपने हैं तो हमारा कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता। तुम्हें मौत भी आई है तो टाल देंगे, सूली का कांटा बना देंगे, लेकिन उसका धन्यवाद तो करो कि महाराज आज मैं शायद बचने मरने वाली थी तो मैं बच गई। उल्टा क्या कहते हैं, हम मंदिर जा रहे थे तो ये हाल हुआ जी हमारा। अरे घर रहते तो पता नहीं क्या होता। अच्छी सोच सोचो अब, लेकिन आपके अंदर वो पूरा आत्मविश्वास बल होना चाहिए तब सोचोगे, वैसे नहीं सोचा थी। क्योंकि बहुनाम जन्म नाम अंते नानवान मां प्रपद्य दे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी पुरुष हो जाता है, उसको अंतकरण में जब परमेश्वर का ज्ञान या उसके नाम के ऊपर पूरी श्रद्धा हो जाती है, ऐसा जो मेरा सिर्फ सब कुछ कोया है वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही है मेरे सब कुछ, ऐसा जो महान आत्मा होता है वो संसार में बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। माता ईसा की इतनी बातें सुनकर भगवान आवेश में आकर बोल जाते हैं और उठ के बैठ जाते हैं, थर थर करने लग जाते हैं कि वो 56 करोड़ यादवों में भगवान श्री कृष्ण का कौन था। कोई इंद्र का, कोई चंद्र का, कोई सूर्य का, कोई वर का, कोई श्राप का, एक उद्धव और एक अर्जुन, इन दोनों को छोड़कर इसे हमारे उसमें कोई भी नहीं था। भगवान कहते हैं उद्धव और अर्जुन के बाल को भी अगर धक्का लग जाता तो हम इधर का सूर्य इधर और इधर का पृथ्वी ला के रख देते। भगवान बड़े आवेश में आकर अपने अपनों का अभिमान लेकर बोल रहे हैं, ऐसा अपना बना अगर हम नहीं रखेंगे तो भगवान हमारा अभिमान क्यों लेंगे। वो अपनापन एक निष्ठता से ही आता है। हम थोड़े थोड़े सांसारिक दुखों में सुखों में भूल जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं और उसको भूल जाते हैं।
इसलिए भगवान बार बार कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ। सुख आ गया ना तो भी भगवान का ही शुक्रिया करो, महाराज आपका कृपा प्रसाद है। अगर दुख भी आ गया है तो भगवान मैंने बोया है, मैंने ही काटना है, बोया भी तो मैंने ही है। किसी का कर्म फल किसी को भोगने को नहीं मिलता, माँ का बेटे को नहीं, बेटे का माँ को नहीं। लेकिन एक बात है, माँ बाप या बड़ा बहन भाई या छोटा कोई भी सगा रिश्तेदार अपने बच्चे के लिए अगर भगवान को प्रार्थना करता है, बिड़ा रखता है, स्मरण करता है, पाठ करता है, सेवा करता है, तो उसके निमित्त अगर करता है तो उसको लगता है, वरना हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। तो फिर जब सुख दुख जोड़ा ही हमने है तो उस सुख दुख के वक़्त हम भगवान को छोड़कर किसी और के पास चले जाएं। अगर हमारा पति गरीब हो गया, कभी बिजनेस कम ज़्यादा हो जाता है, कभी कंपनियां बंद हो जाती है, सर्विस छूट जाती है, तो हम पति बदल लेंगे क्या? अरे ऐसी कोई औरत है क्या? तो वैसे ही हमारा ये परमेश्वर धर्म जो है ये पतिव्रता धर्म है, एक निष्ठता का धर्म है। जब हम एक निष्ठ नहीं है, हम जय कृष्ण ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारी शुरुआत कहाँ से है? एक निष्ठा। गुरुजनों के पास हम आदमी पानी लेकर कसम खाते हैं ना कि मैं एक निष्ठ भक्ति करूंगा, आज से कोई भी ये दूसरा धर्म का स्वीकार नहीं करूंगा। जब एक निष्ठ रहेंगे तो भगवान उसका सहारा है, भगवान उसकी साइड का ही अभिमान लेंगे और दूसरे का अभिमान नहीं लेते। लेकिन हम अगर दूसरों के पास चले जाते हैं तो ईश्वर हमारा मुंह भी नहीं देखना चाहते, हमारी विनती का स्वीकार करेंगे, जिसको कहते हैं हम काले मुंह वाले हो गए। हमारे लिए वो बिंदी काली हो गई, उसका हमेशा के लिए हमारा रिश्ता खत्म हो गया, हमारे लिए वो पति नहीं है, हम विधवा हो गए। कोई बच्चा है वाली माँ है, वो किसी बच्चे को किसी चीज देकर समझा लेती है, लेकिन एक छोटा बच्चा जो है वो अपनी माँ के बिना किसी के पास नहीं जाता। मामी आती है, मासी आती है, बुआ आती है, चाची आती है, अड़ोसने पड़ोसने आती है, लेकिन उनका मुंह देखकर कहते हैं ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है। आखिर उस माँ को ही दया आ जाती है और वो सारे काम छोड़ के अपने रेशमी पल्ले से उसका नाक और मुंह पहुँच के उसको अपनी छाती से लगा कर दूध पिला देती है। लेकिन वो दूसरे के पास जाकर खुश नहीं हुआ ना, अगर वो चुप रह जाता, दूसरे के पास समझ आता तो माँ उसको इतनी जल्दी ना देती। आपने एक निष्ठता देखी द्रौपदी के वस्त्र हरण में, उसने सबकी तरफ देखा, कोई उसका नहीं बना। जब भगवान श्री कृष्ण का उसने जब नाम लिया तब भगवान आए। पहले उसने लोगों के सामने ही अपनी दीद रखी ना, कोई मेरा कोई सहायता करे। जब तक उसने भगवान का नाम नहीं लिया तब तक भगवान ने भी अपना वस्त्र नहीं दिया। इसी तरह हम जय कृष्ण समाज के लोगों के लिए सबसे पहली बात है कि हमने कहीं का प्रसाद खाना, कहीं मस्तक झुकाना। हाँ, आप गृहस्थ लोग हैं, आपको जीना मरना सुख दुख है, आप लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप लोगों को, आप लोगों के सामने तो हाथ कहीं जोड़ने पड़ जाए तो भी आंखें बंद करके मेरे भगवान श्री चक्रधर जी मेरी दंडवत स्वीकार करें, आप मेरी दंडवत स्वीकार करें। अगर कोई देता भी है रास्ते में, हम लोग भी बचपन में या स्कूल में पढ़ते थे, कभी सहेलियों के साथ जाते तो लेते थे लेकिन खाते नहीं थे, क्योंकि माँ ने घुट्टी पिलाई हुई थी, खाना नहीं, खाते नहीं थे, चाहे उनको पता चल जाए फिर भी नहीं खाना। कोई बहुत ही अब नए घर में कोई बच्ची जाती है तो उसके लिए बात अलग है, उसने बेचारी ने नाम भूखे एक अदा कान खा लिया लोगों के सामने तो वो बात अलग है, लेकिन वो कब तक, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई। आज बहू है कल सास भी तो बनेगी। लेकिन ये सब बातें जो होती हैं ये दिल से होती है। आपने कहा, हमने सुन लिया, वैसे के वैसे रहे तो हम जय कृष्ण नहीं बने। ये सबसे पहली नींव है, जो बुनियाद है आपकी, ये यहीं से पक्की होती है, उसके आगे आपका धर्म चढ़ेगा नहीं तो नहीं चढ़ेगा। एक दासी है, भगवान के दृष्टांत में दासी का दृष्टांत है कि वो अपने मालकिन के हाथ से जो कहा जाता है मुंह से, चल तू आज दही रिड़क ले, पहले तू पहले गोबर उठा ले, पहले झाड़ू लगा ले, आज पहले बिस्तर उठा ले, आज पहले सफाई कर ले, जो कहती है अच्छा जी अच्छा जी अच्छा।
समय पर हम भी अपने विधि को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बदल सकते कि आज गलती से हम किसी और दरवाजे पर चले जाएं, ये नहीं हो सकता। जब वो पूरी आज्ञा करने जाती है तो मालकिन जब खाना खाने बैठती है तो पहले उसको परोसती है। ईश्वर अवतार भी बिल्कुल वैसे ही, हम उसके अगर दास हैं, हम खुद को कहते हैं ना कि मैं तेरा दास हूँ, अगर हम उसके दास हैं तो उसने जैसे हमें घुमाया हुआ है ना, अपने कर्मों के साथ हम घूम रहे हैं, लेकिन उन भक्ति की उसकी भक्ति करते हुए अगर हम घूम रहे हैं तो जैसे भी हमें सुख दुख में घूमना पड़ रहा है तो हम प्यार से घूमें, घबराए नहीं। नाम स्मरण पूर्वक तुम अपने दुखों को काट लो, भक्ति करके दुखों को काट लो, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाकर अपने आप को कलंकित मत करो। कलंकित अपने आप को नहीं, भगवान को भी है। भगवान को भी तो हमने कलंकित ही किया ना, कि हम तेरे होते हुए दूसरों के आगे हाथ फैलाए, ये परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करते। नाथों मां के आचार्य जी के गुरु भाई हैं ये, परिभ्रमण करते हुए नाथोबा के दो शिष्य बने, एक वंकी और एक देवकी। दोनों को नाम देने के बाद वंकी जो था एक लड़का जवान, वो थोड़ा लाइन से गलत चला गया। गलत जाने के बाद उसके यहाँ साधु संत उस गाँव में आए तो उनको पता था कि मैं नाथोबा के शिष्य रहते हैं। वो देवती के घर पहुंच गए, देवती ने बड़े प्यार से उनको बुलाया, बिठाया, पैर धुलवाए, आसन पे बिछा बिछा दिया, बैठने के लिए बैठे, और भोजन करने के लिए जब बोला तो उन्होंने पहले कह दिया कि वो वंगी को बुलाएगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो धर्म से गिर चुका है। अरे साधु संत भी उसको मिलना नहीं चाहते। जो धर्म से विनमुख हो जाता है उसको साधु संत भी नहीं मिलना चाहते, तो ईश्वर क्या मिलेंगे। अब जयंती को पता था कि मैं उसको मिल मिल के उसको मैंने धर्म से दोबारा पक्का किया, वो धर्म पे आ गया है। जयंती कहती है अच्छा नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी। कहने के बाद वो जो आचार्य जी के शिष्य थे वो अंदर बैठे और देवती ने वंकी को बाहर बिठा लिया, बुला तो लिया लेकिन उनको नहीं बताया। नहीं बुलाने के बोलने के बाद भी वो जब बाहर बैठे, थाली परोसी गई, तिलक लगाकर दंडवत डालकर प्रार्थना की कि आप मेरा रूखा मिसल रोटी का स्वीकार करें, भोजन का स्वीकार करें। इतना कहने के बाद उसने साष्टांग दंडवत डाले और शुरू करो, लो स्वीकार करो, ग्रहण करो। जब उन्होंने ग्रहण करने के लिए ग्रही तोड़ के मुँह में डालने लगे तो बाहर से आवाज आई श्री चक्रधर। वो कहते हैं बाहर श्री चक्रधर कहने वाले किसी आदमी का आवाज है, ये कौन है बाहर। तो पहले तो थोड़ी सी डर गई, फिर कहती है आपके कहने के बाद भी मैंने, कहने के बावजूद भी मैंने वंगी को बुला लिया तो उसको बाहर बिठाया। कहते अच्छा उसको बुलाओ अंदर, क्यों। उसने मेरे स्वामी का नाम लिया है। वो फिर जमती बताती है कि ये धर्म से अज्ञानता के कारण गिर चुका था, लेकिन मैंने उसको दोबारा धर्म पे लगाया हुआ है, इसलिए अब वो वैसा दोष इसके अंदर नहीं है। फिर वंकी आया अंदर, उसने दो दंडोते डाल के पहले उन महानुभावों से दंडोत डाल के माफी मांगी कि मैं गलती से अज्ञानतावश पद भ्रष्ट हो चुका था, कुछ व्यसनों के अधीन हो गया था, आप मेरी क्षमा करें, आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वो साथ में बैठ के उसने भोजन स्वीकार किया। कहने का मतलब ये है कि हम जब तक अज्ञान है, जैसे श्राद्ध पितर वगैरह कुछ लोग करते हैं, माता पिता की फोटो लगाकर उसको धूप लगाते हैं, हार चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं, कौन छूते हैं, पिताजी हैं, अरे पिताजी कहाँ हैं, ये फोटो है, कागज है, अंधश्रद्धा है ये, अंधश्रद्धा।